एम ए वन एम ए टू एंड एफ टू का एक टॉपिक है ओवर हेड्स एंड ऑब्जॉप कास्टिंग इस चैप्टर के अंदर हम सेवन टॉपिक्स पढ़ेंगे द फर्स्ट टॉपिक इज ओवर हेड्स ऑब्जॉप कास्टिंग ओवर हेड अपोर्शनमेंट स्टेज वन ओवर हेड अपोर्शनमेंट स्टेज टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर हेड्स ओवर एंड अंडर ऑब्जॉर्प्शन and finally non-production overheads. All right, let's start with the first topic, overheads. Overheads किसे कहते हैं? Usually हमने जब भी accountancy के subjects पढ़े, उठाए, देखे, तो FA1 one से लेकर अभी तक आपने overheads का नाम कई दफा सुना होगा. मगर हम अपनी day-to-day -day lives में overheads बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते. लिहाज़ा we are unaware what overheads are all about. सो लेट्स सी वॉट इज अवर हैड वॉट इज एन ओवर हैड ओवर हेड बेसिकली अगर लेमन लैंग्वेज में समझाया जाए वो खर्चे जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में नहीं लग रहे यानी कि वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन रहे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मार्कर है और ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मैंने मैनोफेक्चर करना है तो इसमें लगा हुआ मटीरियल इसको बनाने वाला लेबर और इस पर खर्च होने वाला हर एक एलिमेंट चाहे वो इंक हो चाहे वो इसका कैप में यूज़ हुआ हुआ प्लास्टिक हो चा, चाहे वो ये मार्कर की निब हो ये तमाम चीज़ें इस प्रोडक्ट का हिस्सा बन रही हैं लिहाजा उन्हें क्या कहा जाता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब वो तमाम चीज़ें जो इस प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन रही मगर इस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं उन्हें कहते हैं ओवरहेड्स। मिसाल के तौर पे यह मार्कर मशीन के बग़ैर नहीं बन सकता और मशीन बिजली के बग़ैर नहीं चल सकती तो बिजली एक ऐसा प्रोडक्ट है या आपका एक ऐसा एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी आपकी ऐसी एक्सपेंस है जो इस मार्कर या इस प्रोडक्ट को बनाने में बेहद अहम किरदार अदा कर रही है मगर वो इस प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन रही इसे कहते हैं ओवरहेड। सेकंड मिसाल जहां आपने वो मशीनरी रखी हुई है वो जगह आप उस जगह का किराया दे रहे हैं रेंट दे रहे हैं तो लिहाजा वो रेंट क्या है एक रेंटल एक रेंट आपका एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस बेहद ज़रूरी है आपके इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर आप एक महीने का रेंट नहीं देते दो महीने का नहीं देते आपका क्या ख्याल है कि किराएदार आपको वहाँ पर काम करने देगा सुकून से बिल्कुल भी नहीं तो आपको रेंट हर महीने अदा करना बेहद ज़रूरी है तो वो जो रेंट एक्सपेंस आप अदा कर रहे हैं वो इस प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन रही मगर वो इस प्रोडक्ट के बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रही है दैट इज़ वॉट ओवर हेड्स आर ऑल अबाउट लेट्स रीड द डेफिनेशन एंड सी हाउ वी कैन कनेक्ट विद आर एग्ज़ाम्पल्स एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट सबसे पहली बात इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ये ऐसा खर्चा है जो डायरेक्ट नहीं है यानी जो आपके प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा इट इज़ एन इनडायरेक्ट कॉस्ट नेक्स्ट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट बनाते दौरान होने वाला खर्चा वो खर्चा जो इनडायरेक्ट खर्चा कहलाता है और प्रोवाइडिंग अ सर्विस विच कैनॉट बी ट्रेस डायरेक्टली ऑल राइट ये तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत अहम है दैट इट कैन नाट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली यानी कि अगर मैं इस मार्कर की यानी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हुए मैंने देखा इसमें तो मटेरियल कितना जा रहा है मैंने देखा लेबर कितना जा रहा है मैंने देखा एक्सपेंस कितना जा रहा है इन तमाम चीज़ों को ऐड करके मैंने इस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली मगर ये ज्यादती नहीं होगी अगर मैं बिजली का खर्चा इसमें ऐड ना करूं गर इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ये ज्यादा नहीं होगी अगर मैं रेंट का खर्चा इसमें ऐड ना करूं ये ज्यादा नहीं होगी अगर मैं मेंटेनेंस एंड सर्विस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज का खर्चा इसमें ऐड ना करूँ तो ये तमाम वो खर्चे हैं जो इनडायरेक्ट हैं और जिनका इस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में ऐड करना बेहद ज़रूरी है लेकिन ये ऐड तभी हो सकेंगे जब मैं इसको ट्रेस कर सकूँगी कि कितनी बिजली इस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हुई क्या ये पॉसिबल है ये पॉसिबल नहीं है आप पिन पॉइंट करके स्पेसिफ़िकली नहीं बता सकते कि एक मार्कर या एक प्रोडक्ट वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी कितनी यूनिट्स ऑफ बिजली इस्तेमाल हुए क्या कॉस्ट आई है बिजली की तो लिहाज़ा अब आप किस तरह अपने प्रोडक्ट के अंदर बिजली रेंट और इस तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को शामिल कर सकेंगे यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली ट्रेस नहीं किया जा सकता पिन पॉइंट स्पेसिफिकली नहीं बताया जा सकता कि आपके मार्कर में कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ऐड करें एक मार्कर को बनाने के लिए एंड एंड फुल टू द प्रोडक्ट और सर्विस लिहाजा अब क्या किया जाए ओवरहेड्स हमें समझ आ गई बात कि होते क्या हैं उनके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक नंबर वन इनडायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट खर्चा है प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता नंबर टू कोर्स ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट कि जब ये प्रोडक्ट बन रहा है उस वक्त वो ख़र्चा इनकर हुआ है और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कैन नॉट बी ट्रेस डायरेक्टली यानी स्पेसिफ़िकली आप पिन पॉइंट करके बता नहीं सकते कि कितना बिजली इस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हुआ है ठीक हो गया तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओवरहेड्स के इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये तमाम कैटेगरीज हैं उन इनडायरेक्ट खर्चों की जो किसी भी आम ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में इनकर हो सकते हैं